सोच रहे होंगे कि आज मैं साइकिल पर क्यों मौजूद हूँ। तो साइकिल पे जी आज मैं इसलिए मौजूद हूँ कि हमारी आज की जो मेहमान हैं उनको साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ना सिर्फ ये बल्कि आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी उनसे मिलने साइकिल पर जाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं MAO कॉलेज लाहौर। ना सिर्फ हम उनसे जाके गपशप करेंगे, उनके साथ साइकिलिंग करेंगे, बल्कि MAO कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और आपको उस तारीखी इदारे का विजिट भी कराएंगे। तो आइए मेरे नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ MAO कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। मैम मुझे ये बताएं कि 20वें ग्रेड की आप माशाल्लाह से ऑफिसर हैं, गाड़ी आपके पास, पेट्रोल भी आपको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिलिंग का ये शौक आपको कैसे पड़ा? साइकिलिंग की 3-4 वजह है। अच्छा। सिर्फ मैं फिजिकली फिट नहीं रहती, मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी रहती है, लेकिन आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय सोसाइटी एज वेल, टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी, बेशक एक कतरा ही हो, कतरा कतरा बने समंदर, तो आई होप मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकूँ। इट्स अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो डाउट, ग्रीन व्हीकल। रोजाना के कितने किलोमीटर आप सफर कर लेती हैं? मेरा आना 13 और जाना 13 किलोमीटर होता है, यानी 26 हो गया। जी जी, डेली का। और जब मौसम की सख्ती हो, बारिश हो या गर्मी हो, जी जी, तो फिर कैसे साइकिलिंग करती हैं? हम बारिश में नहीं करती, मुझे भी अपनी होता है कि कोई स्लिप ना हो जाए साइकिल। तो बच्चों में कितना रुझान पैदा हुआ है साइकिलिंग का? कुछ बच्चे बच्चियाँ मुझे आके पूछते हैं, मैडम हमें गाइड करें, हम कौन सी साइकिल खरीदें, हम किस टाइम पे निकला करें। तो ये सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन की हैं, ऑर्गेनाइज करने की, ये उनको दे विल लर्न विद टाइम। लेकिन यस, फॉलोअर्स हो गए हैं इस फॉर्म में। अल्लाह ज़बरदस्त। तो मैम मुझे ये बताएं, साइकिल चलाना पहली दफ़ा कब शुरू की थी? मैंने ऑस्ट्रिया में साइकिलिंग शुरू की थी और नॉर्मल ये गियरों वाली साइकिल थी तब भी। ठीक है। पाकिस्तान आके भी 2008 में साइकिल खरीद ली थी, चलाना रेगुलरली 10-12 के बाद किया था। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक तो इस कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताएं और साथ ये भी बताएं मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी कि ये कॉलेज जब बना था क्या ये भारत में था? अच्छा जी, ये 1916 में ये जो ज़मीन है ये एक हिंदू ने अपनी सोसाइटी को डोनेट की थी, सनातन धर्म सोसाइटी को। तो 1925 में इसकी बिल्डिंग, कॉलेज के बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी बनना। मेलकम हेले थे उस वक्त के गवर्नर पंजाब, उन्होंने उसके ईंट रखी थी पहली बुनियाद की। तो 1928 में ये कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज, हिंदू कॉलेज हुआ था। अच्छा जी जी। और 1947 तक ये हिंदुओं का ही कॉलेज था क्योंकि उस वक्त ये इंडिया था। पार्टीशन हुई थी 1947, उसके बाद पार्टीशन के बाद ये वाले जो पूरा का पूरा ये अम्बाला चला गया था कॉलेज। अच्छा। SD कॉलेज अम्बाला है और अमृतसर में MAO कॉलेज अलीगढ़ की ब्रांच थी जो अंजुमन हिमायत इस्लामिया ने शुरू की थी, उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब पढ़ाते थे इंग्लिश, उनके ब्रदर इन लॉ थे MD तासीर, जो सलमान तासीर के फादर थे वो प्रिंसिपल थे। अच्छा। फिर 1947 के बाद ये यहाँ पे मूव किया पूरा कॉलेज और यहाँ पे मुसलमानों ने एडमिशन लेने शुरू। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ में जब बनाया था तो उसका बैकग्राउंड भी यही था कि मोहम्मदन, इस कॉलेज में मोहम्मदन इस्लामी तालीम भी हो, एंग्लो इंग्लिश तालीम भी हो और ओरिएंटल, जो कि ये सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन इराक के, जी जी, ये सारी लोगों को कैटर करे, बजाय इसके कि सिर्फ हिंदू आगे तरक्की करते जा रहे हैं, मुसलमान भी ये सारी लैंग्वेजेस और ये सारा स्ट्रक्चर और साइंस पढ़ के एजुकेट हों। आप पहली खातून प्रिंसिपल हैं MAO कॉलेज की 90 साल की हिस्ट्री में, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती हैं? एक्चुअली मैं यहाँ 2008 से पोस्टेड हूँ, शुरू में पहले लेक्चरर थी, फिर 2012 में मैं डायरेक्ट सेलेक्ट हो गई, 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई और 15 में डायरेक्ट 20 में चली गई एज प्रोफेसर, और यहीं पोस्टेड रही हूँ। तो मेरी एक तो बॉन्डिंग इस कॉलेज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ बहुत पुरानी है। तो जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मेरे लिए कोई डिफ़िकल्टी होगी, कुछ चेंजेस आए, बिल्कुल भी नहीं। तो मैम अभी मैं आपके कॉलेज का विजिट करना चाहूँगी आपके साथ। ज़रूर, वेलकम जी। चलिए। पार्टीशन से पहले की भी यहाँ पे कोई ब्लॉक्स या कोई बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं? हाँ जी, एक्चुअली ये जो पीछे सारा ब्लॉक है वो पार्टीशन से पहले का है, लेकिन मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, इधर भी आगे राइट पर भी है। अच्छा, आप पीछे देखें तो ये एक मंदिर आपको नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मंदिर प्री पार्टीशन है और लेकिन ये कि उसके साथ हमने अपनी मस्जिद बना दी है, हमने नए ब्लॉक्स भी बना लिए हैं
लेकिन उनको हमने कोशिश कर रहे हैं कि रेनोवेट रखें और चलते हैं बिल्कुल अच्छे उसी तरह क्लासरूम्स हैं जैसे पुराने थे, बल्कि इनफैक्ट इनकी ऊंची छतें होती हैं और ठंडे रहते हैं बिल्कुल, दे आर डेफिनेटली बेटर इन समर्स। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है? देखिए ये लाहौर का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बिग, हमारी इनरोलमेंट 8,000 तक चली जाती है। BS के हमारे 14 प्रोग्राम हैं जिसमें हमने 5 और ऐड किए हैं इसी साल। वी ट्राई कि हम हर एक को एक जैसा ही एजुकेशन दे सकें मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर करते हैं यहाँ पर? BS में हमारे साइंसेस सारी हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू। अब नया जो हमने शुरू किया है वो स्पोर्ट्स साइंसेस के लिए हमने अप्लाई किया है, फिर हमने जियो फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी और एक फूड और न्यूट्रिशन, ये हमने नए स्टार्ट कर। तो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज भी होंगी? आप यकीन करें हमारे अलमनाए हमें मैसेज करते हैं कि इस वक्त मैं नीदरलैंड में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस मैन हूँ, हमारे इंग्लैंड में हैं, कैनेडा में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे बैंक्स में, हमारा कॉमर्स का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था भी और है भी, और हर बैंक में आपको कोई ना कोई MA कॉलेज का बच्चा ज़रूर मिलता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन आज मैंने आपको एक तारीखी कॉलेज का विजिट कराया, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।